गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 23 तारीख दिन मंगलवार, केशवपुर मंडी। अभी जो हूँ मैं केशवपुर के टमाटर मंडी में हूँ दोस्तों। बाकी यहाँ से जानेंगे टमाटर का भाव। और अभी जो है मैं फ़िलहाल KVC फार्म में हूँ, जिनका मोबाइल नंबर है 70 11 20 54 10। बाकी सर से जानकारी ले लेंगे इनके पास जो है कौन कौन से स्टेट से टमाटर आया है और कितना गाड़ी आया इनके पास। टमाटर का क्वालिटी देख लो आप। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी पहले तो ये अपडेट दे दो जी, मंडी के अंदर टोटल आज फ्रेश गाड़ी कितना है जी और बैलेंस कितना है? आज 25 गाड़ी है, बैलेंस 4 गाड़ी है। अच्छा जी। और सर जी आज जो है किस किस स्टेट से माल आया हुआ है जी मंडी के अंदर? बेंगलोर, कर्नाटक से, बेंगलोर से आया हुआ है, महाराष्ट्र से आया हुआ है, हिमाचल आया हुआ है। अच्छा जी। और अपने पास कौन से स्टेट का है सर? अपने पास बेंगलोर है 3 गाड़ी। अच्छा जी, तीनों बेंगलोर है जी, देसी है तीनों? देसी देसी। टमाटर बहुत बढ़िया। अच्छा है सर। हाँ जी सर जी, क्या रेट खुला जी आज? टमाटर अच्छा देखने को मिला जी, 400 से लेकर 450, 400 से लेकर के 450 रुपए। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी हो तो वो कुछ 10-20 ऊपर भी है। अच्छा जी। और नीचे में सर? 400 जो एकदम नीचे, जो एकदम 400 रुपए तक। हाँ जी। और ये गोली साइज भी आ रहा है सर? हाँ जी। गोली गोली नहीं, गोली नहीं आती देसी में। अच्छा जी। खर्चा इसका इतना ज्यादा है कि गोली का पड़ता नहीं आएगा। अच्छा जी। तो अभी सर ये बेंगलोर वाले टमाटर का रेट आगे बढ़ने का चांस है या सर यही रेट चलेगा जी? नहीं सर, बढ़ने का चांस नहीं है क्योंकि औरंगाबाद चल पड़ा है महाराष्ट्र वाला टमाटर देसी, वो 300 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी। उसके कारण ये मंदा है। अच्छा सर। तो सर टमाटर जो है तेजी कब तक पकड़ेगा जी? तेजी तो साहब अभी यही चलता रहेगा कुछ दिन। अभी तो सर फिलहाल हिमाचल जब तक औरंगाबाद तो नया औरंगाबाद चलने वाला ना चल रहा है। अच्छा जी। तो औरंगाबाद चलेगा 1 तारीख के बाद जोर मारेगा, वो आज भी 300 रुपए बिक रहा है औरंगाबाद वाला, उसके कारण बेंगलोर डाउन है। अच्छा जी। अच्छा सर, हिमाचल वाला जो फसल है वो और कितना दिन चलेगा? वो तो 10-15 दिन की है बस। 10-15 दिन। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी। और इस बार जो है सर ये औरंगाबाद में फसल कैसा देखने को मिलेगा? अच्छी फसल है अभी, पिछले साल से ज्यादा है या सर कम है जी? फसल अच्छी है, अभी बरसात के कारण कम आ रही है, 1 तारीख के बाद बाजार फसल खुल जाएगी आएगी। अच्छा जी। और वहाँ का सर अभी क्वालिटी कैसा आ रहा है जी मंडी? क्वालिटी अभी तो बारिश के कारण ठीक नहीं है, लेकिन हफ्ते बाद ठीक हो जाएगी। अच्छा जी। अभी कच्चा पक्का माल? हाँ जी, कच्चा पक्का माल आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा जी। और सर जी अभी जो है औरंगाबाद वाला मंडी माल जो आया हुआ है मंडी के अंदर, वो हाईएस्ट क्या रेट बिका सर? 300 रुपए, क्योंकि उसका खर्चा कम है, बेंगलोर से 100 रुपए क्रेट का खर्चा कम है, बेंगलोर का 250 खर्चा है, उसका 150 खर्चा है। अच्छा जी। अच्छा। और हाइब्रिड भी आया जी अपने पास? नहीं, हाइब्रिड 3 गाड़ी देसी है बेंगलोर की। अच्छा सर। एक अनंतपुर, 2 चिंतामणि। अच्छा जी। अच्छा जी। बेंगलोर में सर कौन कौन सा एरिया चल रहा है जी? बेंगलोर में चिंतामणि, अनंतपुर, कोलार, कई इलाके चल रहे हैं। अच्छा जी। तो सर बेंगलोर का माल जो है मंडियों के अंदर कितने महीने आएगा? ये तो चलता है 12 महीने तक चलता रहता है। अच्छा जी। 12 महीने आता है जी? औरंगाबाद खत्म हो जाएगा ये तब भी चलता रहेगा। अच्छा जी। अच्छा। मतलब अलग अलग एरिया चलता है जी? अलग 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 अलग। अच्छा। फसल आगे पीछे लगी होती है ना, आगे पीछे चलती रहती है। अच्छा जी। अच्छा जी। और सर जी आज ग्राहकी कैसा रहा जी? आज ग्राहकी ठीक है, डबल मंडी है मंगलवार, ग्राहकी ठीक है लेकिन बाजार डाउन है। अच्छा सर। और सर जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अपने क्रेटों में भर्ती कितना आता है और सबसे हाईएस्ट भर्ती कितना रहता है जी और कम से कम कितना? बेंगलोर की भर्ती 25 से 26 किलो रहती है। अच्छा जी। क्योंकि बहुत दूरी से आता है तो उसमें दबने का डर रहता है। अच्छा जी। अच्छा। कम से कम जो है 25 किलो मिलेगा? 2500 मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। और हाईएस्ट कितना भी होता है? 26 किलो, 26.5 ऐसे रहता है। अच्छा सर। और सर और दूसरे इलाके का जो आता है माल उसमें कितना भर्ती रहता है सर? उसमें औरंगाबाद में थोड़ी भर्ती ज्यादा आती है, वहाँ क्रेट भर के मिलता है। अच्छा। यहाँ खरीद के में लेना पड़ता है तो तोल के मिलता है। अच्छा जी। अच्छा। सर जी एक बार जो है आड़त नंबर बता दो और कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। आड़त नंबर देखो जी, कमल वेजिटेबल कंपनी, दुकान नंबर 195, मोबाइल नंबर 70 11 205 410। ओके जी, शुक्रिया जी। सर और एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे हमारा जो टमाटर है बाहर देशों में एक्सपोर्ट होता है तो वो कौन से इलाके का होता है और इससे जो है कुछ रेट में फर्क? वो महाराष्ट्र से जाता है, नासिक से। अच्छा जी। वो जाता है हाइब्रिड टमाटर जाता है बाहर। अच्छा, हाइब्रिड टमाटर। हाँ जी, ये नहीं जाता। अच्छा। तो सर इससे जो है मार्केट में कुछ फर्क देखने को मिलता है जी? हाँ, इससे फर्क मिलता है, अगर बाहर जाता है तो बाजार ठीक हो जाते हैं, डिमांड रहती है फिर। अच्छा जी। कौन कौन से देश में जाते हुए देखने को? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दुबई है, सब जगह जा रहा है। अच्छा जी। तो अभी जो है हमारे देश का टमाटर पाकिस्तान में जा रहा है जी? नासिक से जा रहा है, नहीं पाकिस्तान तो नहीं जा रहा, बांग्लादेश और दुबई जा रहा है। अच्छा जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद सर। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी।
सर जी आज जो है अपने पास कितना गाड़ी है जी? और अपने पे दो गाड़ी है लेकिन मंडी में है 30-32 गाड़ी मंडी के अंदर है। अच्छा सर, हाईब्रिड बिक रहा है 420 से 450। अच्छा बेंगलोर, बेंगलोर। अच्छा देसी जी, अपने पास जो ये वाला है टमाटर कौन सा है जी? बेंगलोर है ये। अच्छा देसी वाला है। हाँ जी। और बेंगलोर किधर, ये हाइब्रिड वाला टमाटर किधर लगा है सर? ये लग रहा है सामने, लग रहा है गाड़ी लग रही है सामने, ये सामने लगा है। तो सर अभी जो है बेंगलोर का टमाटर देसी में कच्चा पका? ऊंचे में 450 है, नीचे में कोई भाव नहीं, जैसा मान लो वैसा रेट। अच्छा जी। और ऊंचे में 450 बिका है जी, नीचे में कोई रेट नहीं बिका? हाँ जैसा मान लो वैसा रेट। अच्छा जी, एक थोड़ा आइडिया बता दो सर क्या रेट बिका जी? देसी नीचे में, देसी वाला नीचे में 400 रुपए। अच्छा जी, बहुत हल्का है वो, 400 से कम है। अच्छा जी, 350 तक भी है? हाँ हाँ। अच्छा, तो डेढ़ माल 350 रुपए है। अच्छा सर, और हाइब्रिड का एक बार रेट बता दो सर, बेंगलोर वाला? बेंगलोर का हाइब्रिड तो अभी आज तो नहीं आया, जो भी यार महाराष्ट्र से अब आ रहा है हाइब्रिड, सोलापुर बिक रहा है 420-450। अच्छा जी, और जो नासिक का माल है वो बिक रहे हैं 400 रुपए का। अच्छा जी, और ये पीपल गांव वाला सर माल नहीं पास है, वो बंद है अभी माल, वो पास नहीं है। अच्छा जी, अभी मंडी के अंदर नहीं वो, सब बाहर जाता है माल, वो एक्सपोर्ट वाला माल है, कच्चा माल है, वो इधर असम बंगाल उड़ीसा इधर जाता है उधर। अच्छा, जहाँ लंबी दूरी पे माल हो। अच्छा, दिल्ली पास नहीं होता वो। अच्छा, और सर ये औरंगाबाद वाले का क्या पोजीशन है जी? औरंगाबाद टमाटर बिका है 400-450 रुपये। अच्छा सर, हाँ। और हिमाचल वाले का सर? कोई भाव नहीं है, ऊंचे में 500 रुपये, नीचे में जैसा माल हो सारे, अब एंड पे है वो तो माल। अच्छा जी। अच्छा, और कितने दिन चलेगा सर लगभग ये हिमाचल वाला? ये पूरा महीना चलेगा, पूरा महीना खींच देगा सर। अच्छा जी, और अभी सर नया फसल कौन सा स्टार्ट होगा और कितने दिन लगेगा जी? नया फसल में अभी 2.5-3 महीना अभी, मतलब वही चलेगा एमपी वाला, उसमें लेट है अभी जो है, खुल के अभी चलेगा बेंगलोर चलेगा महाराष्ट्र, ये दोनों जो है ना एरिया चलता रहेगा अभी। अच्छा सर, अगर क्वालिटी में बात किया जाए सर तो क्वालिटी कैसा देखने को मिलेगा जी उधर? क्वालिटी बहुत बढ़िया, अभी क्वालिटी अच्छी आ रही है, अब थोड़ी प्रसाद जो है ना कम हुआ, क्यों प्रसाद बहुत रहा उधर, आज ड्राइवर बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र से ले साउथ से लेके और पूरा एमपी तक इतना पानी है, डेली पानी पानी है, केवल पानी ये एमपी में नहीं है, इधर राजस्थान में नहीं है और अपने यूपी में नहीं है। और सर ये यूपी वाला जो टमाटर आता है अब, इस टाइम टमाटर यूपी वाला नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है यूपी, ओनली फार केवल बेंगलोर और महाराष्ट्र चलेगा और कोई टमाटर नहीं आएगा, और हिमाचल वाला खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। और पिछले हफ्ते के मुकाबले देखा जाए तो सर टमाटर में रेट अब कुछ सुधार नहीं, सुधार आ रहा है, क्वालिटी में सुधार आ रहा है और रेट में सुधार आ रहा है। अच्छा जी। हाँ, पिछले हफ्ते के मुकाबले देखा जाए तो सर इस हफ्ते में डाउन हुआ है या सर? नहीं, पिछले हफ्ते की बजाय इस हफ्ते में थोड़ी माल अच्छे आए हैं, थोड़ा प्रसाद पीछे कम हुआ है और क्वालिटी नया चालू हुआ है ना अब, तो क्वालिटी बन के आ रहा है। और सर पिछले हफ्ते जैसे हमने देखा था टमाटर में 600-650 तक भी रेट था, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा जी, आ जाएगा, ये भी 500 चलता रहेगा। हाँ 500 चलता रहेगा। हाँ चलता, जितने हिमाचल और कम हो जाएगा ना तीसरे ग्रोथ बढ़ जाएगा, अभी चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, मतलब हिमाचल से जो टमाटर आ रहा है हाँ वो कम हो गया ना, बंद हो जाएगा तो इनका भाव तभी, हाँ सब ग्राहक, हाँ सब इसी पर डिपेंड रहेगा ना, फिर बाजार चलेगा ये। अच्छा, चला ये 35 गाड़ी मंडी में होने के बावजूद भी अच्छे माल 450-460 बिक रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। और सर आज ग्राहकी कैसा रहा जी? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, हाँ एक बार आरती नंबर, हरी भाई नरेंद्र कुमार एंड सन, शॉप नंबर 7, मोबाइल नंबर 98106-75434। ओके, धन्यवाद।